आदिभूताय विद्महे सर्वसेव्याय धीमहि शिव शक्ति स्वरूपेण पितृदेव प्रचोदयात्। मुनि अमावस्या अपने नाम के अनुसार ही मौन और साधना का व्रत है। हम हर दिन जाने अनजाने कितनी ही बातें बोल जाते हैं, जिससे लोगों का मन आहत होता है और अपनी कही बातों को लेकर हम बाद में अफसोस भी करते हैं। इसलिए साधना के लिए मौन परम आवश्यक माना गया है। गृहस्थ जन हमेशा मौन व्रत नहीं रख सकते, इसलिए एक दिन निर्धारित किया गया है, जिसमें गृहस्थों को आत्म शुद्धि के लिए मौन व्रत का संकल्प लेना चाहिए। मौनी अमावस्या पर संभव हो तो पूरे दिन मौन धारण करें और मानसिक रूप से भगवान शिव और विष्णु का ध्यान करें, अथवा स्नान करने से पहले मौन धारण करें और स्नान के बाद ही कुछ भी बोलें और दिन भर कोई भी ऐसी बात ना कहें जिससे किसी का मन आहत हो। मौनी अमावस्या की सबसे बड़ी बात है कि ये माघ कृष्ण चतुर्दशी के अगले दिन आता है। माघ कृष्ण चतुर्दशी को शिव जी भगवान का विवाह माता पार्वती से तय हुआ था और अगले दिन मुनियों और देवी देवताओं ने भगवान शिव शंकर की साधना के लिए उनकी उपासना की थी। भगवान विष्णु ने देवी पार्वती के भाई बनकर उनके विवाह संबंधी कार्यक्रम में भाग लेना स्वीकार किया था और इनसे सबसे अलग मौनी अमावस्या की कथा यह भी है कि सागर मंथन के समय जब असुर अमृत कलश लेकर भाग रहे थे, तब इसी दिन अमृत की बूंदें छलककर प्रयाग सहित कई स्थानों पर गिरी थी। इसलिए मौनी अमावस्या पर प्रयाग सहित अन्य तीर्थों में स्नान करके दान पुण्य करने से कई गुना लाभ मिलता है। माघ मास में तिल, ऊनी वस्त्र, घी का दान बहुत ही पुण्यदायी होता है, इसलिए मौनी अमावस्या पर इन वस्तुओं का दान जरूर करना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि आप बहुत अधिक दान करें, लेकिन आप अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार भी थोड़ा बहुत दान अपने सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। इससे भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति मृत्यु के पश्चात उत्तम लोक में स्थान पाता है, व्यक्ति मुनि पद को प्राप्त करता है। एक मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन मनुष्यों के धरती पर लाने वाले प्रथम मनुष्य मनु ऋषि का जन्म हुआ था। मनु ऋषि के नाम से भी इस व्रत का नाम मौनी अमावस्या है। अब चलिए सुनते हैं मौनी अमावस्या की पावन व्रत कथा। मौनी अमावस्या की कथा को लेकर जो प्रचलित कथा है उसके अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मण परिवार कांचीपुरी में रहता था। पति पत्नी दोनों ही धर्मात्मा थे और धर्म पूर्वक अपनी गृहस्थी चलाते थे। इनका नाम देवस्वामी था और इनकी पत्नी का नाम धनवती था। इनके सात सात पुत्र और एक मात्र पुत्री थी जिसका नाम गुणवती था। जब गुणवती स्यानी हुई और जो देवस्वामी से धनवती ने कहा कि पुत्री के विवाह के लिए अब वर देखना चाहिए, ब्राह्मण ने अपने छोटे पुत्र को बहन गुणवती की कुंडली दी और कहा कि ज्योतिषी से इनकी कुंडली दिखवा लाओ, जिससे गुणवती के विवाह की बात आगे चले। ज्योतिषी को कन्या की कुंडली दिखाई गई। उसने बताया कि विवाह होते ही कन्या विधवा हो जाएगी। ज्योतिषी की ये बात जब ब्राह्मण परिवार को मालूम हुई तो वह बहुत दुखी हो गए और इसका उपाय पूछा। ज्योतिषी ने बताया कि हे ब्राह्मण, सिंघल द्वीप में एक पतिव्रता महिला रहती है जिसका नाम सोमा धोबिनी है। यदि ये कन्या की शादी से पहले सोमा आपके घर आकर पूजन करे और अपना आशीर्वाद दे दे तो ये दोष दूर हो जाएगा। ब्राह्मण ने अपने पुत्री गुणवती को अपने सबसे छोटे पुत्र के साथ सिंघल द्वीप भेज दिया। दोनों भाई बहन सागर किनारे पहुंचकर उसे पार करने के बारे में विचार करने लगे। जब समुद्र को पार करने का कोई रास्ता ना मिला तो दोनों भूखे प्यासे एक पीपल के वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। पेड़ पर घोंसले में एक गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। वे सुबह से भाई बहन की बातों और क्रियाकलापों को देख रहे थे। शाम के समय जब गिद्ध की माता बच्चों के लिए भोजन लेकर घोंसले में आई तो बच्चों ने पेड़ के नीचे लेटे
भाई बहन की कहानी अपनी माता को बताई। उनकी बातें सुनकर गिद्ध की माता को दोनों भाई बहनों पर दया आई और बच्चों के कहने से उसने कहा कि तुम लोग अब चिंता मत करो, मैं इन्हें सागर पार करवा दूंगी। बच्चों के माता की बातों को सुनकर खुशी खुशी भोजन ग्रहण किया। गिद्ध की माता बच्चों को भोजन करवाकर दोनों भाई बहनों के पास आई और बोली कि मैंने आपकी समस्याओं को जान लिया है, आप चिंता मत कीजिए, आपकी समस्या का निदान मैं कर दूंगी और आपको सोमा धोबन के पास पहुंचा दूंगी। गिद्ध की बातों को सुनकर दोनों भाई बहनों का मन आनंदित हो गया और उन्होंने वन में मौजूद कंदमूल को खाकर रात काट ली। सुबह होते ही गिद्ध ने दोनों भाई बहनों को समुद्र पार करवा दिया और सिंघल द्वीप में सोमा धोबिनी के घर के पास पहुंचा दिया। गुणवती सोमा धोबिन के घर के पास छुपकर रहने लगी। हर दिन सुबह होने से पहले गुणवती सोमा का घर लीप दिया करती थी। एक दिन सोमा ने अपने बहुओं से पूछा कि प्रतिदिन सुबह हमारा घर कौन लीपता है। बहुओं ने प्रशंसा के लोभ में कहा कि हमारे अलावा ये काम और कौन करेगा, लेकिन सोमा को बहुओं की बातों पर भरोसा ना हुआ और वो ये जानने के लिए पूरी रात जागती रही कि कौन है जो हर दिन सूर्य उदय से पहले घर लीप जाता है। सोमा ने देखा कि एक कन्या उसके आंगन में आई और आंगन लीपने लगी। सोमा गुणवती के पास आई और उससे पूछने लगी कि तुम कौन हो और क्यों हर सुबह मेरे आंगन को लीप कर चली जाती हो। गुणवती ने तब अपना सारा हाल सोमा से कह डाला। गुणवती की बातों को सुनकर सोमा ने कहा कि तुम्हारे सुहाग के लिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सोमा ने ब्राह्मण के घर आकर पूजा की, लेकिन विधि का विधान कौन टाल सकता है। गुणवती का विवाह होते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने अपने सभी पुण्य गुणवती को दान कर दिए। सोमा के पुण्य से गुणवती का पति जीवित हो गया, लेकिन पुण्यों की कमी से सोमा के पति और बेटे की मृत्यु हो गई। लेकिन सोमा ने अपना घर छोड़ने से पहले बहुओं से कह दिया था कि मेरे लौटने से पहले अगर मेरे पति और बेटों को कुछ होता है तो उनके शरीर को संभाल कर रखना। बहुओं ने सास की आज्ञा को मानकर सभी के शरीर को संभाल कर रखा। उधर सोमा ने सिंघल द्वीप लौटते हुए रास्ते में पीपल के वृक्ष की छाया में भगवान श्री हरि नारायण की पूजा कर 108 बार पीपल की परिक्रमा की। इसके पुण्य के प्रभाव से सोमा के घर लौटते ही उसके पति और बेटे फिर से जीवित हो गए। इसलिए मुनि अमावस्या का व्रत करने वाले व्रतियों को ये कथा सुनकर पीपल की 108 बार परिक्रमा जरूर करनी चाहिए और भगवान विष्णु के साथ श्री हरि शिव शंकर भोलेनाथ की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। तो इस प्रकार मुनि अमावस्या की कथा संपूर्ण हुई। बोले श्री हरि नारायण भगवान और शिव शंकर भगवान की जय। अगर आप सभी को ये कथा पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में हरिओम नमो नारायणा जरूर लिखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने सनातन धर्म से जुड़े व्रत त्यौहार पूजा पाठ के बारे में संपूर्ण जानकारियां प्राप्त करने के लिए रामा हेल्थ एंड वास्तु टिप्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।